नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर श्रावस्ती से है, जहां हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में एक शाम तिरंगे के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपजिलाधिकारी रोहित ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे कवियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अगली खबर कन्नौज से है। कन्नौज में तिरंगा यात्रा निकाल खाकी ने राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया है, जहां महिला सिपाहियों और ब्रह्म कुमारी की महिलाओं से राखी बंधवाई। ये तिरंगा यात्रा गुरसहायगंज कोतवाल राजकुमार सिंह ने कोतवाली परिसर से निकाली। वहीं गुरसहायगंज कोतवाली तिरंगे की रंग में नजर आया। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज लेकर मार्च किया गया है। अगली खबर संभल से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां स्कूली छात्र छात्राओं ने बारिश के बीच तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत किया। वहीं यात्रा में शामिल हुए एसडीएम विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि तिरंगा यात्रा में 11 कॉलेजों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छात्रों के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि जो मैसेज इन्होंने अभी रैली के माध्यम से पूरे समाज को दिया है, ये जो ध्वज इनके हाथों में जाके आज अपने घरों में फहराएं और अपनी गली मोहल्ले सबको प्रेरित करें कि सभी घरों में ध्वज का आरोहण हो, ध्वज लगे, सभी लोग ये इस तरह सुनिश्चित करें। बच्चों के माध्यम से संदेश बहुत अच्छे से जा सकता है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। 11 विद्यालय इसमें सम्मिलित हुए हैं और उनके बड़े परिवार के माध्यम से उन्होंने तिरंगा रैली पूरे शहर के बड़े हिस्से में निकाली है जागरूकता पैदा करने के लिए, ताकि आगामी जो हमारा 15 अगस्त का अवसर है देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस अवसर पर हर घर में तिरंगे फहराने की जो सरकार की योजना है। खबर श्रावस्ती से है। श्रावस्ती में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। वहीं इस कार्यक्रम में 11 से 15 अगस्त तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जिलाधिकारी नेहा प्रकाश और मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में एक शाम तिरंगे के नाम पर दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में एक साथ 7500 दीप प्रज्वलित किए गए। अंदर में सिर्फ ये कहना है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ थी, हमारे स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ, इसको आम स्वतंत्रता दिवस से कुछ विशेष रूप से मनाया जा रहा है, इसीलिए 7500 दीप प्रज्वलन करके हम लोगों ने आज़ादी का इजहार किया है 75वें स्वतंत्रता दिवस का। इस आयोजन में पिछले अगले छह दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम जनपद में आयोजित होता रहेगा। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में खादी का जादू एक बार फिर लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा। बता दें कि खादी जो अभी तक उपेक्षित हो रही थी, अब हर घर में खादी के तिरंगे लहराते हुए देखे जाएंगे। दरअसल खादी का तिरंगा 125 रुपये में मिलेगा और इसके लिए गांधी आश्रम ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। गांधी आश्रम में बड़ी संख्या में खादी के झंडे तैयार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार खादी को लेकर लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहाँ लोग खादी के कुर्ते भी खरीदते नजर आ रहे हैं। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें झंडे की बहुत मांग है और अब तक जो है लगभग 1000 झंडा रोज बिक रहा है। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और हरिद्वार जिले आते हैं, इनको यहां से सबको झंडे की सप्लाई हो रही है और अब तक जो है लगभग 5-6 हजार झंडे बिक चुके हैं और आगे अभी जो है 10-10 हजार से ऊपर झंडे की मांग है और निरंतर झंडे का उत्पादन हो रहा है और झंडा सप्लाई किया जा रहा है। और इस वर्ष जो है झंडे की तो गत वर्षों की अपेक्षा में जो है कई हजार गुना जो है वो मांग बढ़ गई है और तमाम पब्लिक हर्षोल्लास के साथ जो है झंडा खरीद रही है। अगली खबर बांदा से है। बांदा में किसान के घर दिन दहाड़े चोरों ने लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल बुलेट पर सवार लुटेरे विद्युत मीटर चेकिंग के नाम पर किसान ब्रिजेंद्र पाल सिंह के घर में घुसे और लुटेरों ने तमंचे के बल पर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन भारी
पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जान लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने चारों ओर नाकाबंदी कर दी है। ये पूरा मामला चिल्ला थाना के पपरेंदा गांव का बताया जा रहा है। 10 बजे के आसपास थाना चिल्ला के चौकी पपरेंदा के ग्राम पपरेंदा में तीन बुलेट सवार हाकी बुलेट पर सवार तीन व्यक्ति बिजली के मीटर चेकिंग करने का बहाना करके एक घर में घुसे और वहाँ के गृह स्वामी विजेंद्र पाल सिंह को अकेला पाकर उन्होंने उनसे 900 रुपये और कुछ गहने लूट लिए। इस सूचना पे मौके पे सभी उच्च अधिकारियों ने मुआयना किया है और हाकी मोटरसाइकिल की और ओडीए के आधार पर बताया गया ओडीए के आधार पर आसपास चेकिंग कराई जा रही है। अमरोहा में जहरीला चारा खाने से 21 गौवंश की मौत के बाद संभल डीएम ने गौशालाओं में सुरक्षित चारे के लिए बड़ी पहल की है, जिसके तहत ग्राम पंचायत की जमीन पर चारा पैदा कर गौवंश को चारा भूसा खिलाया जाएगा। संभल डीएम मनीष बंसल ने बताया कि वैसे गौशालाओं में पर्याप्त चारा मौजूद है, चारे की किल्लत न हो इसके लिए गाँव में ही सरकारी जमीन पर चारा बोया जाएगा। वहीं गौशाला वाले एक गांव में 100 हेक्टेयर और पूरे जिले में 2000 हेक्टेयर जमीन पर चारा और भूसे वाली फसल को बोया जाएगा। देखिए, वर्तमान में भूसा और हरा चारा हमारे सभी गौआश्रय केंद्रों में दिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि इस वक्त मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो अक्सर कई बार इस संबंध में देखा जाता है कि भूसे की पर्याप्त उपलब्धता या चारे की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पाती। इस संबंध में परसों एक मीटिंग बुला के सभी वीडियोस को मैंने निर्देशित किया है कि प्रत्येक गाँव में लगभग हर ब्लॉक में हम लोग ज़मीनें चिन्हित करेंगे, 100-100 हेक्टेयर भूमियों को चिन्हित करके वहाँ पर हरे चारे के बोने की व्यवस्था की जा रही है। इस वक्त मौसम अनुरूप है और अभी अगर चारा बोएंगे तो लगभग हमें अक्टूबर नवंबर तक अच्छी क्वालिटी में चारा मिलना शुरू हो जाएगा और पूरे जनपद में हमारा टारगेट है कि लगभग 2000 हेक्टेयर हम लोग ज़मीन ऐसी चिन्हित करें जो ग्राम समाज की हो, चाहे वो चारागाह की हो या फिर नवीन पर्ती की हो, खाली पड़ी हो, उस पर हम लोग चारा बोएं और उसी को गौशालाओं से लिंक करते हुए पर्याप्त यहाँ पर हरे चारे की व्यवस्था समस्त निराश्रित गौवंशों की जा सके। खबर मुरादाबाद से है, जहां मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के गांव नियामतपुर इकरोटिया के पास तेज रफ्तार टाटा मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं टाटा मैजिक के अंदर चालक और परिचालक दोनों फंस गए। दोनों की चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने उन्हें बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर सहारनपुर से है, जहां शिवालिक पहाड़ियों में तेज मूसलाधार बारिश होने के कारण मैदानी इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत महसूस कर की है। वहीं शिवालिक पहाड़ियों में तेज मूसलाधार बारिश से हथनी कुंड बैराज पर बढ़े जलस्तर को देखते हुए सुबह ही हथनी कुंड बैराज से करीब 1,82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि शिवालिक पहाड़ियों और मैदानी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश से यमुना नदी उफान पर आ गई है। इसके साथ ही यमुना नदी का जलस्तर और भी बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी अब अलर्ट मोड में है। अगली खबर चमोली से है, जहां जिले के नारायणबगड़ में पूर्व व्यापार संघ अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता दलीप सिंह नेगी ने दिशा निर्देशन में सैकड़ों व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने नारायणबगड़ बाजार में विभिन्न हिस्सों सहित तीन बड़े बाजारों में हर घर तिरंगा फहराने के लिए कार और बाइक रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव को आज दिनेशपुर थाना परिसर में इंस्टॉल लगाकर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय और थाने के पुलिस कर्मियों ने लोगों को झंडा वितरित किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज आजादी के अमृत महोत्सव के लिए हर घर तिरंगा लगाने की जानकारी दी गई है, साथ ही निःशुल्क तिरंगा भी लोगों को वितरित किया गया। उसी के अनुपालन में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर द्वारा आदेशित किया गया है कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए और उसी के अनुपालन में आज दिनांक 11 को हमारे सभी थाना चौकियों को आदेशित किया गया था कि हम एक स्टॉल लगाएं और उसमें घर घर हर घर तिरंगा जो अभियान
एक अंडा वितरित करें। खबर हाथरस से है, जहां विद्युत करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। दरअसल घर में समरसेबल चालू करने के दौरान महिला करंट की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद परिजन इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। ये घटना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव रोहिरी की बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।